लोग अभी तक भी बहुत दर्दनाक बैठा हुआ है। हम लोग का जो इंसिडेंट हुआ ऐसा होना नहीं है, कोई जगह पे भी होना नहीं है। आप लोगों को तो पता होगा कि मणिपुर का जितना इंसिडेंट है, जो 4 मई के दिन हुआ था, हम लोग के भारत के बेटियाँ, दो बेटियाँ जो नंगे होकर वो लोग ऐसा रास्ते पे पूरा नंगा हो के लेके जा रहे थे और पूरा एक साथ गैंग रेप हो के वो लोग, जितना एक ग्रुप मेटे का एक ग्रुप ने ये सब किया था इंसिडेंट्स, हम लोग अभी तक भी बहुत दर्दनाक ये दिन ये पल सोच के भी बहुत दुख लग रहा है। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं आज पे ये रैली हो के हम क्या बोलना चाहते हैं कि शांति बनाए रखना चाहते हैं। हम लोग को शांति नहीं रखने से कुछ नहीं, और हम दरख्वास्त करते हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट सरकार कुछ नहीं करने से हम लोग प्रधानमंत्री का जितना देश का जितना मंशिया है, जितना पद पर का मंशिया है, वो कुछ काम करके शांति बनाए रखने के। और जनजाति जितना है नारियों के लिए, नारियों के लिए जितना फाइट करना है वो फाइट करने के दरखास्त करते हैं, क्योंकि इन दिनों हम लोग बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचा रहे हैं? सिर्फ मणिपुर के बेटियाँ अभी तक भी सेफ है, जहाँ कहाँ से सेफ है, लोग कहाँ कहाँ जंगल से सेफ है। अभी तक भी हम देख रहे हैं कि जितना 30 इंसिडेंट्स हुआ है, और वो सब में हम लोग को सिर्फ एक इंसिडेंट के बारे में पता चला, वो भी लीक वायरल वीडियो के जरिए ही पता चला। और इसलिए हम सोच रहे हैं कि दूसरा जितना वीडियोस लीक नहीं हुआ, जितना और इंसिडेंट्स हुआ है, बहुत दर्दनाक इंसिडेंट्स हुआ है। इसलिए हम दरखास्त करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जितना स्टेप्स होना है वो लेके ये शांति कायम करने की दरखास्त करते हैं। बीजेपी तो अभी होके कैन कर सकते हैं ये इंसिडेंस के लिए, तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसे किसी बीजेपी गवर्नमेंट किसी एक ही सरकार के लिए मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, सब एक ही एक देश के नागरिक होते हुए मुझे ये एकदम शर्मनाक इंसिडेंट है जो हम लोग के साथ हो रहा है। हम का जितना इंसिडेंट हुआ है जो सुना है वो नहीं देखा, जो बात था वो हम लोग अपना ड्रीम्स में भी नहीं सोच रहे, सपनों में भी हम लोग सोच नहीं पा रहे ऐसा होगा। और इतना ऐसा क्राउड में नंगा हो के हम लोग बहनों के साथ ऐसा हो, इसलिए हम खास करते हैं कि हम लोग का प्रधानमंत्री भी एक सरकार नहीं होके एक ही देश का नागरिक होके एक ही देश का बेटियों को सेफ नहीं करने से, बेटी बचाओ लोग बोल के बेटी नहीं बचाने से सब फायदा ये सोच रहे जल्दी बेटियों को बचाने को बचाने के लिए एक ही स्टेप समझो ये बोलना है कि हम लोग का प्रधानमंत्री को जल्दी जल्दी बड़ा स्टेप लेके हम लोग का मणिपुर का ये जल्दी जल्दी खत्म करके हम लोग का शांति रिजाइन नहीं होने का बात है, कुछ भी रिजाइन करो या ना करो, लेकिन अपना जो चले मरे कुछ भी करे स्टेट में शांति कायम नहीं करने से चीफ मिनिस्टर होने का क्या फायदा है, मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा है? अभी आप सोचो आपके घर में कोई कुछ हो रहा है और आपको कुछ काम नहीं कर रहा है, आप ऐसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे ही नंगा होकर देख रहा है, ऐसे एंजॉय कर रहा है, तो कैसे होगा? आपको भी कुछ करते हो नहीं देने से बेटियों का क्या होगा? आपका भी घर में बेटियाँ हैं, आपका भी कोई बहन है, आपका भी माँ है, सबके साथ में ऐसा होने से और हमारा देश का क्या होगा? हमारे देश का फ्यूचर में क्या
इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये इंसिडेंस यहाँ पे खत्म नहीं होने से, यहाँ पे बड़ा स्टेप नहीं लेने से हम लोग का कुछ काम नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हम लोग का देश का सबसे प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करती हूँ बड़ा स्टेप लेके मणिपुर में शांति कायम करने के लिए। हुआ है हम लोग का जो मणिपुर में अपना ट्राइबल दो ट्राइबल लड़की मैंने मैतेई आदमी मैतेई लोगों से रेप किया है, उन लोगों को अनड्रेस उन लोगों का कपड़ा निकली उन लोगों फोर्स कर रहा है मैतेई आदमी लोगों से। इसलिए हम लोग इधर दिमाग हंसाओ एनसी हिल्स दिमाग हंसाओ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन लोगों से अपोज हम लोग अपोज है बोल के देखा निकले इधर में जमा हुआ है। अब लोग क्या चाहता है, अभी क्या चाहता है? हम लोग अभी चाहता है मणिपुर गवर्नमेंट को और रेपिस्ट लोगों को उन लोगों को ऊपर में एक्शन एकदम जरूरी एक्शन इमीडिएट एक्शन लेने के लिए हम लोग अभी डिमांड कर रहा है। The Chief Minister of Manipur, Nbiren Singh, to resign immediately. अगर जो मणिपुर का इंसिडेंट हुआ ऐसा होना नहीं है, कोई जगह पे भी होना नहीं है। क्यों वुमेन लोग उनको हमेशा टूल ऑफ विंजेंस के जैसे इस्तेमाल करता है? क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम दरख्वास्त करता सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो कल्प्रिट है जो असोल्टर है उसको कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए। थैंक यू। बेटी बचाओ, भारत बचाओ, बेटी बचाओ, भारत बचाओ।
बात हो रहा Thank you.